अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जिम शरीफ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे फजल और करम से। अच्छा तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा तो आपके साथ एक बात शेयर करने वाला था कि भाई कल मैं ना यूट्यूब ओपन करके ना तो वीडियो देख रहा था, ठीक है। बेला मुंडा किसी गाँव में रहता है, ठीक है, यानी कि मुल्तान में किसी गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो लोग जाते हैं चाहत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ठीक है। पता नहीं दिल में वो क्या लेकर जाते हैं, तसव्वुरात कहा भाई हम जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। तो आगे से वेला मुंडा भाई, ठीक है, तो आगे से वो भाई डिमांड कर देते हैं कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, आप मेरे घर के भी वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं है। पैसे दो फिर अलाउ है। अगर अल्लाह पाक ने आप जैसे लोगों को इज्जत दी हुई है, ठीक है यार, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करो, ठीक है। जुमसा नीचे उसको अपने साथ लेकर चलो हमेशा, ठीक है। ये मत सोचो कि यार ये छोटा है, इसके साथ ये होगा वो, हो सकता है कल को आने वाले वक्त में वो आपसे आगे हो, ठीक है, कि भाई आप उसके पास जाओ, भाई मैं आपके पास वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। वो भी फिर दिल ही दिल में क्या लेकर सोचता होगा या बैठा होगा कि भाई ये वो दिन था जब मैं इसके पास गया था तो इसने मेरे से डिमांड की थी कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा, मैं वीडियो में आऊंगा। यार तुम वीडियो इससे अच्छा बनाओ ही ना, उनसे सीधे इतना बोल दो भाई इतना लो ही नहीं है, मैं बनाता ही नहीं हूँ, पैसे दो मैं बनवाऊंगा वीडियो, ठीक है। ये वीडियो देखिए जरा व्यूअर्स, जैसा हमने सोचा था ना रास्ते में कि यार ऐसा हमारे साथ हो ना जाए, तो सेम वही हुआ जो हम सोच रहे थे। इतनी दूर से चाह से प्यार से मोहब्बत के साथ यानी उनके पास जाते हैं कि भाई मैं जाकर उनके साथ वीडियो बनाऊंगा, कहते हैं भाई जान वीडियो अलाउ नहीं है, मैं इसके जो है वो चार्जेस लेता हूँ। तो हमने उनसे बहुत कहा लेकिन वो कहते हैं माजरत के साथ हम ऐसा काम नहीं करते, अगर आप हमें जो है वो चार्ज कर देंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ वीडियो बना लेंगे। तो वो चार्ज के बगैर, कोई मतलब पैसों के बगैर वो वीडियो नहीं बनाते, तो उन्होंने अपने घर की वीडियो भी नहीं बनाने दी क्योंकि वो कहते हैं हमारी जो है प्राइवेसी होती है। पैसे कितने हैं वो 7,000 रुपये वीडियो बनाने का लेता है, तो इसीलिए कोई बात नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ही। बहुत ही बुरी बात है यार, मैं आपके व्लॉग्स को बहुत लाइक करता हूँ, ठीक है। मुझे आपकी जो सी वीडियोस होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। जो भी काम अपने बाबा से पूछ रहे हैं, अपनी मामा से बातचीत कर रहे हैं, छोटे भाई से बातचीत कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब की इनकम आगे से लगाकर अपने बाबा को दे रहे हैं, ठीक है। दिल से अफसोस हुआ था भाई, वो इतनी चाहत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ लगभग एक दफा हर एक इंसान के ऊपर रोज लेकर आते हैं, हर एक इंसान को आजमाते हैं ये क्या करता क्या नहीं करता। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी गलत ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। किसी का अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे हमेशा आपके साथ भी बुरा होगा। अच्छा तो वेला मुंडा भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगी हो या फिर मेरे मुंह से इस तरह के अल्फाज निकल गए हो कि भाई आपको अच्छी नहीं लग रहे, मैं बहुत बहुत माजरत करता हूँ आपसे, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।